आखिर ईश्वर ने आपको यह जो दिव्य मानव तन दिया है वो किस लिए दिया है? जिसके लिए शास्त्र कहते हैं ये तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना का धाम है मोक्ष का द्वार है। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, जिसको बार बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तना पावा, ये तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, क्यों? यदि हम भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं, हमें गर्मी के दिनों में जब हम किसी एसी वाले कक्ष में जाते हैं तो कहते आहा बड़ा सुख मिला, और इतना आराम आनंद महसूस करते हैं कि आहा लगता है यही जीवन का लक्ष्य। जितना हमें एसी में कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा महसूस होता है, बुरा ना मानिए, एक सुअर को नाली में उतना ही सुख मिलता है। विचार करो, यदि संतति उत्पन्न करना ये पशु भी करते हैं, लेकिन सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं ये मानव शरीर दुर्लभ है, अद्वितीय है, अलौकिक है, साधना का धाम मोक्ष का द्वार है। ये मानव शरीर हमें लगता है कि भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा अवार्ड है। क्यों कहते हैं, कभी आपने विचार किया? और यही शरीर ऐसा है कि इसी शरीर में यदि हमारी सोच अच्छाई की ओर चली गई, अगर हमारा चिंतन ऊर्ध्वगामी हो गया, तो याद रखना यही वो शरीर है जिसमें यदि हमारा चिंतन ऊर्ध्वगामी हो गया तो ये इंसान भगवान को भी अपने पीछे दौड़ा देता है, ये इंसान भगवान को भी अपने पीछे छोड़ देता है। और यही शरीर में यदि हमारी सोच हमारा चिंतन अधोगामी हो गया तो फिर ये इंसान राक्षस को भी पीछे छोड़ देता है महाराज। इस शरीर को दुर्लभ कहा गया है। 84 लाख योनियों में अन्य जितनी भी योनियां हैं वो क्रिया साध्य हैं, लेकिन मनुष्य शरीर क्रिया साध्य नहीं बल्कि भगवत कृपा साध्य है।